हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक्यूमास के बारे में जानेंगे कि कैसा ये प्रोडक्ट है, किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, कैसे यूज़ करना है, क्या ये सच में ही वेट गेन करता है, अगर वेट गेन करता है तो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एक्यूमास परचेज करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर एक बार लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक्यूमास एक इंडियन ब्रांड है जिसे डॉक्टर जुनेजा द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि हेल्दी वेट गेन कराने में हेल्प करता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें अश्वगंधा, स्थावरी, गोखरू और आंवला जैसी पावरफुल हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, हमारे वेट गेन कराने के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स हमारी बॉडी को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये हमारे एपिटाइट को बूस्ट करता है, डाइजेशन को सुधारता है। तीसरा, ये हेल्दी वेट गेन कराने में हेल्प करता है। अब ये कैसे हमारी हेल्प करता है हमारे वेट गेनिंग में, तो गाइस, किन लोगों का वजन नहीं बढ़ता, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, जिन लोगों का डाइजेशन सही नहीं रहता, उन लोगों का वजन काफी धीरे धीरे से बढ़ता है, जिनका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करता या वो नॉर्मल नहीं है, तो ये ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनका वजन बढ़ने में काफी दिक्कत आती है। तो इस सिचुएशन को इस एक्यूमास ने टारगेट किया है। ये सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करेगा, जिससे जो हमारा खाया पिया हमारी बॉडी को लगेगा। दूसरा, हमारे डाइजेशन को सुधारेगा। अगर हमारा खाया पिया जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो हमारी बॉडी के डाइजेशन को सुधारने में हेल्प करती है, जिससे हमारी जो एपेटाइट है वो बढ़ने लगती है, हमारी भूख बढ़ने लगती है और हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, जिसकी वजह हम कह सकते हैं कि ये हमारे वजन बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा। अब इसका रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं, तो गाइस, ये चीज़ डिपेंड करेगी हमारी डाइट पर, हम किस तरह की डाइट इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डाइट भी काफ़ी तरीके की होती है। अगर हम वेट गेन डाइट लेंगे तो हमारा वेट गेन होगा, वेट लॉस डाइट लेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। अब एक्यूमास हमारे वेट गेन हेल्प कराने की, तो जाहिर सी बात है आप वेट गेन डाइट ही फॉलो करना इसके साथ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा हो, उसके बाद फैट हो, उसके बाद प्रोटीन हो। इस कॉम्बिनेशन की हमें एक डाइट इनटेक करनी है, दिन में 6 मील इनटेक करनी है। तो इसका रिजल्ट आपको लेना है तो एक सही से डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, धीरे धीरे अपने खाने को बढ़ाना है, एकदम से ही 6 मील इनटेक करने नहीं लग जाना, धीरे धीरे सबसे पहले अपने डाइजेशन को सुधारना, इस एक्यूमास की हेल्प से अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, अपनी भूख को बढ़ाना और अपने खाने को इंक्रीज करते रहना, जिससे जो खाया पिया हमारी बॉडी को लगे हमारा वेट गेन हो सके। अब बात करते हैं कि इसके प्रोडक्ट की, तो इसमें 60 कैप्सूल आते हैं। अब किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, तो दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करने हैं 2 कैप्सूल, जो आपके वेट गेनिंग की जर्नी को काफ़ी तेज़ कर देगा, अगर आप सही से डाइट इंटेक कर रहे हो। अब ये नहीं है कि अगर आप इसका ही इस्तेमाल करोगे तो आपका वेट गेन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ आप जो डाइट इंटेक करोगे वो आपका वजन बढ़ाएगी, ये सिर्फ हेल्प करेगा आपके इंटरनल जो भी दिक्कत है उनको ठीक करने में, जैसा कि इसमें अश्वगंधा डाला गया है, जो कि जड़ी बूटियों में जैसे राजा भी कहा जाता है अश्वगंधा को, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है वजन बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल वेट गेनर प्रोटीन में भी अश्वगंधा और शतावरी को डाला हुआ है, शतावरी हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो ऐसी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, जिनका वजन कम है, कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनको कोई बीमारी है, कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो इसका इस्तेमाल करने से बचें। तो ये सिंपल से तरीके हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहती हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे परचेज कर लेना या इसका चेकआउट कर लेना, इसका रिव्यू चेक कर लेना, लोगों ने इसके बारे में क्या क्या रिव्यू दिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे देखने को मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।